Hello friends, today we are going to discuss about H lookup and V lookup function. आज हम लोग H lookup और V lookup functions को सीखने जा रहे हैं और कैसे करेंगे, data का arrangement कैसे होता है। देखिए, H lookup functions के लिए पहले आपको उसके concept को जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर H lookup functions में data काम कैसे करता है और V lookup में कैसे काम करता है। V lookup function, V lookup functions, वी लुकअप फंक्शन, और सेकेंड आपका होता है एच लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन और सेकेंड है आपके एच लुकअप फंक्शन, एच लुकअप फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, एच लुकअप फंक्शन दोनों में क्या है कि वी लुकअप फंक्शंस में जो डेटा का अरेंजमेंट करते हैं, देखिए, ये है एक्सेल का सीट है, ये एक्सेल का सीट है, सपोज एक्सेल का सीट। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, एक्सेल की एक सीट का स्क्रीनशॉट नहीं लेकर आपको बता देता हूं। सपोज कीजिए ये डेटा का एक्सेल का सीट तक, हाँ ठीक। देखिए किस तरह से मैं करके बता रहा हूं, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक्सेल का एक सीट है, सपोज हमने ये डेटा ले चुका हूं, ठीक है। देखिए यहां पे दो चीजें गौर करने की बात है, देखिए दोनों का आप एक्सेल की शीट में डेटा को फील्ड जो एंट्री करते हैं किस तरह से करते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है आपका, जैसे एक तो तरीका है, जैसे हमने यहां पे लिखा, जैसे आपने यहां पे लिखा आइटम, आइटम तो फील्ड आप किस फॉर्म में रख रहे हैं, ये आपका जो फील्ड है आइटम्स, ऐसे कर दीजिए, थोड़ा साइज को कम कर देंगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। 25 आइटम कोड, आइटम कोड, आइटम कोड हो चुका है, आइटम कोड हो गया। फिर देखिए हमने यहां पे लिखा आइटम नेम, आइटम नेम, यानी कि हमने जो ये वीलूप को बता रहे हैं, जो फील्ड हमने लिख रहे हैं, फील्ड को जहां पे हमने अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये फील्ड हमारा एक वर्टिकल फॉर्म में अरेंजमेंट हो रहा है। ध्यान देंगे, ये वर्टिकल फॉर्म में अरेंजमेंट हो रहा है। आइटम कोड, आइटम नेम, प्राइस अर्थात एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्वांटिटी, 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 ये भी लुकअप फंक्शंस में। अर्थात आप ध्यान दीजिए कि यहां पे जो आपने ये चीज अरेंजमेंट जो किया है ना, आपने बात गौर करने वाली है कि आपने यहां पे जो अरेंजमेंट किया है, यह जो अरेंजमेंट है, ये फील्ड किस फॉर्म में है। जब डेटा का अरेंजमेंट हम एक वर्टिकल फॉर्म में कर रहे हैं, इस फॉर्म में कर रहे हैं, देखिए, तो ये आपका वी लुकअप फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और एच लुकअप में क्या करते हैं, जो चीज हमने यहां पे लिखा है वही एक लैंडस्केप वे में होगा हमारा, अर्थात जो आपके सामने दिखेगा हॉरिजॉन्टल वे में। कैसे, देखिए आइटम कोड यही से लिखेंगे, आइटम कोड, फिर हमने लिखा आइटम नेम, नेम, फिर एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, देन क्वांटिटी, क्वांटिटी, फिर टोटल सेल, टोटल सेल,
ठीक है, आइटम कोड एमआरपी, यानी कि इसमें जो डेटा हम फिल कर, मान लीजिए इस यहां जो डेटा फिल कर रहे हैं 101 आइटम कोड हो गया, आइटम नेम, फिर यहां पे हमने लिख दिया आइटम कोड हो चुका है हमारा, फिर यहां पे आप आइटम नेम लिख दिए, आइटम नेम में कुछ भी लिख दीजिए, माउस, इसका एमआरपी आप लिख सकते हैं, एमआरपी लिख दीजिए 240, फिर क्वांटिटी आप लिख दीजिए कितने क्वांटिटी, 10.5 पीस 5 पीस, यानी आप डेटा का फिटिंग, डेटा का या आप फिट कैसे कर रहे हैं, डेटा का आप अरेंजमेंट अर्थात फिट जो डेटा कर रहे हैं आप एक वर्टिकल फॉर्म में कर रहे हैं, जबकि एच लुकअप में क्या होता है डेटा को आप जो फिट कर रहे हैं आप देखिए इस फॉर्म में होता है 101। तो ध्यान रखना है आइटम कोड, फिर आइटम का नेम, जो भी हमारा आइटम का नेम है, नेम यहां पर माउस, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 230, क्वांटिटी 10 पीस तो कितना हो गया 2300 रुपये, 2300। यानी कि जो हम एंट्री कर रहे हैं इस फॉर्म में कर रहे हैं, फिर 102 का करेंगे, फिर 10, यानी कि हम लोग अभी फंक्शन के थ्रू अभी पता करेंगे कि कैसे यह होगा किस तरीके से। तो हम क्या करेंगे एक अलग अलग, पहले तो आपको समझना होगा कि एक्सेल की सीट में डाटा का अरेंजमेंट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, अर्थात डाटा का फीडिंग, डाटा फीड हम दो फॉर्म में कर सकते हैं, एक है वी लुकअप के फॉर्म में अर्थात वर्टिकल लुकअप फॉर्म में, और सेकेंड है आपका हॉरिजॉन्टल लुकअप के फॉर्म में। अब चलिए हम लोग बिना समय गवाए अब प्रैक्टिकल इसको करके दिखाते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। तो पहले क्या कीजिए, मर्ज एंड सेंटर बनाना है, तो पहले तो आपका जिसके जो भी सॉफ्ट है उसका एक बनाना चाहते हैं तो उसका नाम होना चाहिए, तो क्या करेंगे पहले इसे मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, और यहाँ पे आप हाईलाइटर कर दीजिए, और यहाँ पे आप अगर रेड कलर दे देते हैं तो बहुत अच्छा है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर। अब यहाँ पे आप उस शॉप का नाम लिखेंगे जो आप शॉप का नाम लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया राजा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, ठीक है, राजा कंस्ट्रक्शंस पीवीटी लिमिटेड, राजा कंस्ट्रक्शंस पीवीटी लिमिटेड, ठीक है, आपने ये बना दिया। अब इसकी व्हील हमको करना है, तो यहां पे क्या करेंगे थोड़ा सा दो तरीका है आप कीजिए, यहां से पहले तो इस सीट को जितनी भी सीले, मान लीजिए हमने 10 रिकॉर्ड्स को ले रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना है सेम फॉर्म रहेगा। अब इस पे क्या करेंगे, पहले तो जाना है और इसको आप हाईलाइटर कर दीजिए, ठीक है, और फिर क्या कर दीजिए आप इसे ऑल बॉर्डर में कर दीजिए, तो थोड़ा सेल आपको प्रॉपर वे में दिखेगा, है ना। अब टेक्स्ट जो है आप इसे ब्लैक में कर दीजिए ताकि आप इसको एंट्री कर पाएंगे, यानी ये डॉक्यूमेंटेशन है, दिस इज नॉट कंपल्सरी, वो आपके ऊपर निर्भर है, अगर आप करते हैं तो ज्यादा बेटर आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए आइटम कोड। अब देखिए जैसे ये कभी कभी फील्ड क्या होता है ना बाहर चला जाता है, दूसरे फील्ड में आ जाता है ना, तो इसको अरेंजमेंट करने के लिए क्या है एक तरीका कि आप इस सेल को और सीट को लेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विथ कर देंगे। ओके, तो आइटम कोड आ गया, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आइटम नेम, तो बार बार आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, आइटम कोड हो गया आइटम नेम, फिर आइटम कोड और नेम के बाद क्या होगा एमआरपी हम कर देंगे यहाँ, एमआरपी हो गया, फिर एमआरपी के बाद हम लोग क्या कर देंगे कितनी क्वांटिटी सेल हुई है ना, क्वांटिटी कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर क्वांटिटी के बाद, अब फिर यही मान लीजिए अगर कोई सेल एक दूसरे बॉक्स से बाहर चला जाता है तो आप ऑटो फिट कॉलम विद कर दे, ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट हो जाएगा। क्वांटिटी के बाद टोटल सेल, कितना सेल हुआ टोटल सेल, देखिए है ना,
तो क्या करेंगे, फिर इसे अरेंजमेंट कर देंगे वही फॉर्म में जो अभी मैंने आपको किया था, ऑटो फिट कॉलम विद कर दिए। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा सेलेक्ट आ गया तो आपको इसको क्या करना है, आप डिलीट भी कर सकते हैं, तो डिलीट इंटायर कॉलम, तो आप इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हट गया ना। अब देखिए आइटम कोड नेम आ गया, अब इसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट को, एक एक प्रोडक्ट जो भी हम लोगों का है उसे आसानी से हम लोग इस पे एंट्री कर सकते हैं। आइटम कोड हमने यहाँ पे एंटर किया 101, आपके ऊपर निर्भर है, आप कुछ भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आइटम कोड हुआ नेम, हमने यहाँ पे नेम में किया माउस, ठीक है। आप एक बार पूरे सेल को अरेंज कर दीजिए और इसके बाद इसे आप बोल्ड की जगह पे, हाँ 12, ठीक। इससे क्या होगा, बार बार आपको सेल को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नेम आ गया, अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हमने लिखा माउस, फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका मैंने हमने लिखा 230 मैंने कर दिया, क्वांटिटी 10 पीस। तो हमें इसे टोटल सेल निकालना है, तो टोटल सेल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है इजिकल टू, हम लोग कर देंगे सी, देखेंगे कौन से सेल में है, C3 इंटू D3 इक्वल टू करेंगे तो कितना आ गया, 2300 रुपए आ गए। फिर अगेन 102 प्रोडक्ट कोड आइटम कोड हो गया, इसमें क्या करें, हमने लिखा यहां पे मॉनिटर, मॉनिटर हमने कर दिया, मॉनिटर कितने का 4500, मैंने ये पीस रखा 12 पीस। फॉर्मूला वही सिमिलियर फॉर्मूला जो मैंने लगाया अभी कुछ देर पहले आपको पता ही है। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे C4 इंटू D4 54,000, 54,000, फिर 103, फिर हम लोग चलेंगे और फिर CPU, और यहां पे हमने इसे प्राइस रखा 3400 और पीस हमने रखा क्वांटिटी अर्थात रखा 5। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाएंगे बी अर्थात C5 फंक्शन C5 इंटू D5, तो हमारे पास आ गया 70,000 रुपीज। फिर देखिए 104, फिर हमने यहां पे रखा आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अगर चाहें तो स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, ठीक है। अभी सेल दूसरे सेल में चला जाए ना, तो क्या करेंगे, हमेशा ऑटो फिट कॉलम कर दीजिए सेल को सिलेक्ट करके, यहां से आप सिलेक्ट कर लीजिए जहां से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो फिट कॉलम विद हो गया ना, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हमने फिर स्मार्टफोन को रखा 23,000 और कितनी पीस सेल हुआ है पे, कितना क्वांटिटी सेल हुआ 10। फॉर्मूला इज इक्वल टू मैंने यहां पे रखा C6 इंटू D10, मैं ये करके बता रहा, सॉरी यहां पे कुछ गलत मिस्टेक हुआ, C6 इंटू यहां पे हमें D6 लिखना होगा, ध्यान दे यही सब फंक्शन को ध्यान देने तो रिजल्ट गलत आने, कितने आ गए, इकाई दहाई शंकर हजार 23 लाख के आसपास आ गए। अब देखिए 105 हमने लिखा, स्मार्ट वॉच, ठीक है, स्मार्ट वॉच की कीमत मैंने रखा यहां पे 6500 और मैंने रख दिया यहां पे 10 क्वांटिटीज, कितना आ गया, डायरेक्ट ये ऑटोमेटिकली ले चुका है, ठीक है। इस तरह से हमने अभी 5 रिकॉर्ड्स पे ही मैं आपको करके बता रहा हूं कि VLOOKUP फंक्शन कैसे काम करेगा, है ना। चलिए तो अब हम लोग बिना समय गवाए इसको करके बताते हैं कि किस तरह से इसको करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे हेडिंग एक बना लीजिए VLOOKUP फंक्शन, वो आपके ऊपर है, कंपल्सरी नहीं है बच्चे, आप लोग कर भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं अगर आपके ऊपर निर्भर है तो, और आप इसे कलर बना दीजिए और यहाँ पे कुछ और कलर ले लीजिए आपको अगर करना है तो, है ना।
देखिए, भी लुकअप, भी लुकअप फंक्शन, ठीक है। अरे मैंने आपको समझाने के लिए कि ये हम लोगों का जो वर्क हो रहा है ये देखिए कि आखिर आउटपुट रिजल्टेंट वैल्यू कैसे आता है। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे भी लुकअप बच्चे काम करते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट क्या करेंगे, भी लुकअप लिखने के लिए पहले आपको जो फील्ड है ना उस फील्ड को आपको लेना पड़ेगा। यहां पर कितने फील्ड है आपके सामने बच्चे, ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 आइटम कोड नेम एमआरपी क्वांटिटी और टोटल सेल। तो आप क्या करिए, इस फील्ड को आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कॉपी कर लिए, और जितने फील्ड है 1 2 3 4 5 आप इसे यहां पे अरेंजमेंट कर दीजिए जो जिस सेल में आपको रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा, आ चुका आपके सामने। फॉर्मेट में जाइए, ऑटो फिट कॉलम कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा। अब आप क्या कीजिए, आपके सामने सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, कोई ऐसा चीज आपके सामने नहीं छुपा हुआ है, सारी चीज आपके सामने दिख रहा है स्पष्टतः। आप लोग सही से फिर से एक बार प्रॉपरली चले तरीके से देख लें। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद बच्चे हम लोग जाएंगे आइटम कोड है ना, हम लोग चले जाएंगे डाटा टैब पे, डाटा टैब पे जाएंगे, और डाटा टैब पे जाने के बाद हम लोग डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे जैसे ही जाएंगे, वी विल सी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दिस वैलिडेशन क्राइटेरिया, तो हियर वी विल सिलेक्ट द लिस्ट। हम लोग क्या दोस्तों सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट हमने लिया, अब हमें जो सोर्स लेना है, जो फील्ड लेना है, तो आप यहाँ पे एक एक करके ध्यान दे सकते हैं कहाँ से कहाँ कोड ले सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, बेसिकली आप आइटम कोड में कहाँ से आ जाएगा, अब जरा ध्यान दीजिए, ए टू से आप दे सकते हैं कहां तक, इजिकल टू ए टू। आप डायरेक्ट माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन माउस से तो सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स हैं, बाद में जब आपको अगर एंट्री करना होगा आपको 8 9 10 11 रिकॉर्ड्स में, तो फिर आपको बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़े तो इसकी जगह पे बेहतर है कि हम डायरेक्ट फंक्शन का यूज करके एक रेंज ही बहुत मात्रा में हम लोग सिलेक्ट कर लेते, A500 हमने कर दिया। अब देखिए आपके सामने आइटम कोड पूरा चीज दिख रहा है, 101 110। अब आप जितनी भी एंट्री करते जाएंगे ना 8 पे, ये ऑटोमेटिकली इसमें डेटा फीड होते चला जाएगा, ठीक है। हमने बना लिया, फिर नेम पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन क्राइटेरिया पे जाएंगे, और वैलिडेशन क्राइटेरिया में हम लोग लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, और लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर अगेन दिस प्रोसेस जो हमने कुछ देर पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था उसको फिर करेंगे, इजिकल टू लिखेंगे, और यहां पे हम लोग लिखेंगे B2:B500, ओके, B2:B500। जैसे ही करेंगे तो आपके सामने फिर उसी तरह से बन के आ जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर चल रहा होगा कि आखिर आप सर 500 क्यों दे रहे हैं। 500 देने के पीछे तर्क ये है कि बार बार, जैसे अभी मान लीजिए हमने 7 तक रिकॉर्ड का एंट्री किया ना, लेकिन 8 9 10 100 1000 तक रिकॉर्ड का एंट्री हो सकता है, तो बार बार ये हमें सिलेक्ट ना करना पड़े, अर्थात बार बार डेटा वैलिडेशन नहीं करना पड़े, लिस्ट बनाना नहीं पड़े, लिस्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए हम लोग ये बनाते हैं कि एक बार में रेंज 500 या 5000 तक सिलेक्ट कर लेते हैं। एमआरपी में भी जाएंगे, अगेन डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन का फिर एनी वैल्यू की जगह पर लिस्ट में जाएंगे, और लिस्ट में की जगह पर फिर सिलेक्ट करेंगे, इजिकल टू का ऑपरेशन देंगे, और एमआरपी में सिलेक्ट करेंगे इजिकल टू C2:C500। आप ध्यान दीजिएगा ये C500 क्यों दे रहे हैं, मैक्सिमम डेटा के लिए। अब जरूरी नहीं कि फिक्स है, 5000 भी दे सकते हैं, जितने रिकॉर्ड्स की एंट्री करना है ना, बेसिकली हम यहाँ पर 500 को लेकर चल रहे हैं। ये भी आ गया, फिर क्वांटिटी पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन, फिर लिस्ट पे करेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इजिकल टू, और फिर हम लोग यहाँ पे D2:D500 करेंगे, ओके। फिर हमने कर दिया, क्वांटिटी भी आ गया, फिर टोटल सेल पे जाएंगे, अगेन वी विल गो इनटू द डेटा वैलिडेशन एंड वी विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन डेटा वैलिडेशन एंड वी विल सिलेक्ट लिस्ट फ्रॉम दिस टैब लिस्ट एंड हियर वी विल क्लिक इजिकल टू E2:E500
E 500, ठीक है। अब हमने टोटल सिलेबस सिलेक्टेड, तो हमारे सामने ये सारी चीजें बन चुकी है। अब मुद्दा क्या है कि आखिर सर भिलुक अप करेगा क्या। सबसे बड़ी चीज है कि बार बार किसी रिकॉर्ड को हमको चेक करना है कि हमारा किसी डेट को या इस आइटम कोड का कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, कितना सेल हुआ है। माने अभी मान लीजिए 5 रिकॉर्ड्स है तब ना हम लोग आसानी से देख सकते हैं, लेकिन यही अगर दोस्तों अगर 5000 रिकॉर्ड्स रहता तो किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड का अगर डिटेल्स हम जानना चाहते थे, अर्थात वह डिटेल्स क्या हो सकता है कि कितना प्राइस था उस समय, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो यह फिल्टर कर पाना बहुत मुश्किल था एक्सेल में। तो इस मुश्किल को, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए एडवांस एक्सेल में भी लुकअप फंक्शन और इस लुकअप फंक्शन को लाया गया है। अब देखिए आइटम कोड में हम जाएंगे, इजिकल टू लिखेंगे, बिल्कुल सही है, इजिकल टू और भी लुकअप नाम लिखेंगे, और जैसे ही करेंगे आप टैब कर लीजिए और कंट्रोल ए करेंगे तो इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। अब देखने वाले का बात है, गौर करने वाले आते हैं कि आखिर इसमें आएगा क्या। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जो आपके सामने दिख रहा है, लुकअप वैल्यू जो है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एफ एफ क्या करेंगे, एफ एफ थ्री देंगे, है ना। फिर देखिए टेबल एरे आपके सामने है, आप कहीं से कितना भी रिकॉर्ड्स को आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया ए टू इजिकल टू, हमने कर दिया ए टू कोलन ई 500। अब जितने रिकॉर्ड हमने लिया, अब कॉलम क्या होता है, पहला इंडेक्सिंग, पहला इंडेक्सिंग क्या है हमारा, आइटम कोड 1 है, इसमें क्या हो जाएगा 0 रेंज लुकअप देंगे। देखिए आपके सामने अभी आइटम कोड बन के आ चुका है। अब क्या करें, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसको कॉपी कर लीजिए, सिंपल इसको, इस फंक्शन को कॉपी कर लीजिए, सिर्फ हम लोग कॉलम का इंडेक्सिंग बदल देंगे, अर्थात इंडेक्सिंग जैसे ही बदलेंगे तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए नेम में भी हम लोग सेम पैटर्न है, सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे टू को सिलेक्ट कर देंगे और नेम आ जाएगा, देखिए आ चुका है। फिर नेम यहाँ पे हमने MRP किया और यहाँ पे इसे हमने कर दिया यहाँ पे 3rd में 3, तो आपके सामने MRP भी दिख रहा है ना। फिर देखिए क्वांटिटी में भी सेम पैटर्न करेंगे और यहाँ पे कर देंगे 4 क्वांटिटी में। कॉलम इंडेक्सिंग याद रखना है, कॉलम इंडेक्सिंग फिर भी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे 5। देखिए तो अब क्या आप कहेंगे सर इससे फायदा क्या, फायदा ये है कि हम अब मान लीजिए किसी भी रिकॉर्ड को देख रहे हैं, मान लीजिए हमें ये रिकॉर्ड देखना है 101 103 आइटम कोड का डिटेल्स क्या, देखिए आपके सामने दिख रहा है ना आउटपुट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोस्तों। फिर मान लीजिए 104 का दिखना है, दिख रहा है कि नहीं स्मार्टफोन, अभी मान लीजिए 105 का देखिए दिख रहा है कि नहीं। तो ये भी लुकअप फंक्शन के द्वारा हम लोगों ने कर लिया। अब सेम यही पैटर्न रहेगा, एच लुकअप फंक्शंस बनाएंगे तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे और यहाँ पे फिर वही जैसे ऊपर मैंने लिखा है, एक स्पेस छोड़ के कर दीजिए तो ज्यादा बेटर है, कोई ऐसा जरूरत है नहीं, वो तो रिकॉर्ड्स आपको एक बार में ही दिखेगा। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे हम लोग एच लुकअप फंक्शन लिख रहे हैं, होम पे जाएंगे, फिर मर्ज एंड सेंटर करेंगे, फिर हाइलाइटर लगा दिया हमने यहाँ पे, और फिर मैंने इसे यहाँ पे ब्लैक कर दिया, आप यहाँ पे इसे ब्लू कलर भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एच लुकअप ध्यान से देखिएगा, दोनों में डेटा का फिल्टरिंग हम कर रहे हैं। अभी तो इसमें होना क्या था, वी कैन से कि आखिर बार बार रिकॉर्ड का एंट्री एक एक करके, अभी मान लीजिए 5 रिकॉर्ड है तब ना, मान लीजिए 5000 रिकॉर्ड्स रहता तो किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर रिकॉर्ड देखना रहता तो ये मुश्किल था कि नहीं हम लोग के लिए, बिल्कुल था। अब देखिए एज यूजुअल जैसे पहले था सबको कर देते हैं, आइटम कोड कर दिया हमने, है ना, सब आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एच लुकअप फंक्शन, एच लुकअप। देखिए एडवांस एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, नाउ अ डेज इस फीचर्स को बहुत ज्यादा यूज भी किया जा रहा है, तो आप लोग भी इस चीज को अच्छे से समझेंगे और करेंगे। इसको भी आप थोड़ा बढ़ा दीजिए तो बेहतर है,
कंपल्सरी नहीं है, स्पष्टता के लिए सब किए जाते हैं, क्लियरिटी के लिए फिर हम लोग लेंगे। लेकिन इस बार जो आइटम कोड लेंगे ना, देखिएगा यहाँ पे एच लुकअप में मैंने आपको बताया ना डेटा किस वे में होगा, हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल वे में रखेंगे। हमने यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ पे आएंगे और कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 जितने भी रिकॉर्ड है इसको हम यहां तक अरेंज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन होगा पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज कर देंगे यहां पर। देखिए आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस में देखिए इसे हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो हमारा रिकॉर्ड है देखिए आपके सामने दिख रहा है कि नहीं, क्या ये प्रॉपर वे में आ चुका है कि नहीं बन के। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके रिकॉर्ड्स को बनाएंगे, है ना। अब देखिए आइटम कोड को फिर वही सेम पैटर्न करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाके फिर हम लोग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, फिर वही सोर्स जो हम लोगों ने लिखा आपको याद ही है आप लोगों को, है ना। क्या करेंगे हम लोग जो, अब एक प्रश्न ये भी है कि सर आखिर पता कैसे चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ये डेटा है ना आप क्या कीजिए, एक सिंपल सा फंडा है कि आप सिर्फ रिकॉर्ड्स को ही लेने की जरूरत नहीं है डेटा का। अभी एक चीज और है जो मैं भी आप लोगों को बताना चाह रहा था, एक तो डेटा का ऐसे अरेंजमेंट हो सकता है, मान लीजिए यही रिकॉर्ड है सेम, और इसी रिकॉर्ड सेम को एक इस तरह से डेटा दिया हुआ है, वो कितने तक है 7 तक, तो 7 7 14 जाना चाहिए, है ना। मान लीजिए 15 तक एक रिकॉर्ड छोड़ के हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप इसे क्या कीजिए पेस्ट स्पेशल और आप ट्रांसपोज कर दीजिए, जो चीज आपको ओरिजिनल में दिख रहा है अब आपको इस वे में दिख रहा होगा, है ना। यही है, ये ध्यान देने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं। आप डेटा का एक्सेल में डेटा दो ही तरह से फिट कर सकते हैं ना, या तो हॉरिजॉन्टल वे में या वर्टिकल वे में। देखिए ऑटो फिट कॉलम भी कर दी। अब देखिए ए हम एच लुक का फंक्शन का है ना, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखिए आपके सामने दिख रहा है ना। अब आप क्या कीजिए, ये जैसे था इसको आप यहां से डिलीट कर दीजिए, चूंकि हम लोग दूसरे फील्ड्स में आ चुके हैं, इसकी कोई जरूरत अब है नहीं, है ना। आप इसे एज यूजुअल जैसा है इसे अनमर्ज कर दीजिए, ठीक है, अभी अपने प्रॉपर वे में आ चुका। अब देखिए हम लोग एच लुकअप फंक्शन ध्यान देना है, ये जो फील्ड है ना फिर सेम पैटर्न यही फील्ड लेंगे हम लोग, जो हम लोग ने वहां पे बनाया है ना रिकॉर्ड्स में, ध्यान देना है रिकॉर्ड्स में हम लोग फील्ड को चेक करेंगे। देखिए मैंने इसे कॉपी कर लिया और फिर इस ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर देंगे ऑप्शन, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे और ट्रांसपोज कर देंगे यानी रिवर्स शो कर देंगे, ठीक है। देखिए अब आपके सामने ये सारी चीजें आ गया होगा, आप इसे कर दीजिए, कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेल जो इधर जा रहा है आप इसको ऐसा कर सकते हैं, मर्ज एंड ऑटो फिट कॉलम विथ कर दीजिए, ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी सब पे जाके हम लोग क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन करेंगे, अर्थात डेटा वैलिडेशन बनाएंगे कि कैसे। डाटा वैलिडेशन पे गया हम लोगों ने, डाटा वैलिडेशन पे डाटा पे क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, फिर ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एनी वैल्यू की जगह पर लिस्ट पे जाएंगे, लिस्ट में फिर हम लोग सोर्स देंगे। और ध्यान देने वाली चीज है कि जो हम सोर्स देंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सोर्स आखिर हम लोगों ने दिया क्या, किस सेल में है, आइटम कोड किस सेल में है, ओरिजेंटल में है। क्या करेंगे, ए ए नाइन, ए नाइन कोलन ए नाइन कोलन ए नाइन कोलन ए ए रेंज में ही लेंगे, ए 500, ठीक है।
ये हमारा बन गया। देखिए आपके सामने सारी चीज दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि हम लोगों ने जो बनाया है ना वो सही से डेटा का लिस्ट नहीं हो पाया, तो फिर से चलेंगे डेटा में, डेटा वैलिड ये चीज ध्यान देने वाली चीज रहती है। फिर एनी वैल्यू पे जाएंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन, फिर इक्वल टू लिखना कंपल्सरी है। हमने यहाँ पे दिया A9 कोलन एफ एफ 105, ठीक है, एक एक 105 नहीं है सॉरी, यहाँ पे F9 लिखना था, F9। अब देखिए आपके सामने ये लिस्ट बन के आ चुका। थोड़ा फंक्शन को बनाते समय सब सारी चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है, थोड़ी सी सावधानी आपको अगर सावधानी हटा तो आप जान लीजिए कि नहीं बना पाएंगे, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब आ चुका है, आइटम कोड में सारी चीज आ गए ना। फिर देखिए नेम पे जाएंगे, वही पैटर्न, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, हमने इसमें क्या किया लिस्ट को ले लिया, फिर लिस्ट में फिर हम जाएंगे कितने नंबर पे है, ए ए इजकल टू ए11 कोलन एफ एफ A11 A10 करेंगे, चूंकि बीच का है ना प्रोडक्ट नेम है, A10 कोलन F F10 कर देंगे, है ना। अब देखिए आपके सामने नेम की भी पूरी लिस्ट आ चुका है, नेम स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच है ना, इस तरह से सब आ चुके हैं। फिर देखिए MRP पे भी जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर हम लोग लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर सोर्स वही जो हम लोगों ने भी सिलेक्ट किया, इसमें क्या हो जाएगा A11 कोलन F11 ये पूरे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। फिर देखिए क्वांटिटी पे जाएंगे और अगेन क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन, अगेन लिस्ट बनाएंगे और रेंज को सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। फिर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू क्वांटिटी किसमें चला जाएगा, ए सेल में A12 कोलन F12। अब देखिए इसके भी लिस्ट बन चुके हैं। फिर टोटल सेल में चले जाएंगे, टोटल सेल में भी जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट पे जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे और यहाँ फंक्शन को जब भी रेंज सिलेक्ट कर थोड़ी सी भी असावधानी हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे, एक बार बनाना है, बाकी ऑटोमेटिकली डेटा फिल्टर्ड होते हुए चला जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे ए ए देखिए आपके सामने दिख रहा है ना, ए यहाँ पे देखिए और A13 कोलन और कितने चला जाएगा F13। देखिए आपके सामने बन चुके। अब फिर इस फंक्शन को यहां पर लिखेंगे इजकल टू एच लुकअप, टैब पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, एच लुकअप फंक्शन आ गया। ध्यान देने वाला बात है कि लुकअप वैल्यू में क्या देंगे हम लोग, जो सेल को लेना चाहते हैं तो G10 चला जाएगा। टेबल एरे में कहां से कहां तक सिलेक्ट करेंगे, वही जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है टेबल एरे में, है ना, सारे टोटल वैल्यू को ले लेंगे, A9 कोलन F13। बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे, रो इंडेक्स कितने पे जाएगा, फर्स्ट पे चला गया, रेंज का रो इंडेक्सिंग 1 पे जाएंगे, लॉजिकल लुकअप हम लोगों 0 दिए, ओके किए। देखिए आइटम कोड आ गया ना बन के। अब सेम यही पैटर्न आएगा, आप इसे क्या करेंगे हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं और बाकी में भी, ताकि समय कम समय हम लोगों को लगे, टाइम कम लगे इसलिए, और फिर सिर्फ चेंज कर देंगे यहाँ पे, सिर्फ रो का इंडेक्सिंग चेंज करेंगे, रो का इंडेक्सिंग हमने 2 कर दिया। देखिए नेम पे आ गया, फिर यहाँ पे हम लोगों ने किया और यहाँ पे थर्ड कर दिए, थर्ड रो में
रिकॉर्ड्स की एंट्री है, थर्ड हमने कर दी, फिर क्वांटिटी पे करें, फिर हम लोगों ने इसे किया, फिर ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कितने नंबर रोज में रिकॉर्ड्स में है, फोर में, फोर को कर देंगे, क्वांटिटी दिख जाएगा। फिर आपके सामने देखिए यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे किया हम लोग ने फाइव रिकॉर्ड्स को, तो फाइव रिकॉर्ड्स को हमने कर दिया, तो सभी हमारा टोटल बन चुका है। आपके सामने सारी चीज अस्पष्टता के साथ आपको दिख रहा होगा, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर चलिए होम पे चलते हैं, पहले फॉर्मेट को ऑटो फिट कॉलम कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, और फिर बोल्ड को हटा देते हैं, बोल्ड कर दिए, और थोड़ा सा अब एक एक करके रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं कि जो हम लोगों ने एच लुकअप फंक्शन बनाया क्या वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करेंगे ना आइटम कोड 101, देखिए रिकॉर्ड्स आपको दिख रहा है 101, माउस एमआरपी 230, आपके सामने रिकॉर्ड्स प्रॉपर वे में दिख रहे होंगे। आप लोग ध्यान से अगर इस चीज को ध्यान दीजिएगा तो ऑटो फिट कॉलम भी है ना, देख लीजिए सारे आपके सामने रिकॉर्ड्स प्रॉपर वे में दिख रहा होगा। अब आप इसे अलग अलग तरीके से भी आप इसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए स्पष्टता के लिए मैं थोड़ा और आप लोगों के लिए बढ़ा दिया। अब आप यहाँ पे सपोज कीजिए हम यहाँ पे फिर आइटम कोड ले आइए, फिर हमने यहाँ पे क्या किया 103, देखिए आपके सामने 103 का रिकॉर्ड्स दिख रहा है कि नहीं, फिर देखिए 105 का रिकॉर्ड्स दिख रहा होगा है ना, आपके सामने सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे होंगे। फिर देखिए हम लोगों ने 105 का देखिए रिकॉर्ड्स आ गए, फिर इसके आ गए। तो देखिए आज हम लोगों ने यहाँ पे वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन को स्पष्टता के साथ जाना, समझा कि किस तरह से हम लोग करेंगे। आप लोग इसे फिर से दोबारा प्रैक्टिस कीजिए तो आप इसकी क्लैरिटी को समझेंगे कि एच लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।